किस तरीके आज उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? आज कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ है। हमारी मंडल के अधिकारी हमारे बड़े भाई अशोक सिंह भाई साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारी संपूर्ण टीम आपको सामने दिखाई दे रही है। हमारे जो बड़ी बहन है वो हमसे काफी बड़ी है जी, तो उन्होंने ही आज इस कार्यालय का विधिवत फीता काट कर शुभारंभ कराया। शुभारंभ किस तरीके आप संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए जो आपके साथ लगे हुए हैं? मैं तो कार्यकर्ताओं का तो ये आप हाल है कि दो दिन में आप देख रहे, एक दिन नॉमिनेशन करके आए, उसके बाद से कल हम पहले दिन प्रचार के लिए निकले तो आपने ऊपर कोट देखा जी। आज हम टप्पल गए, खैर गए, मंडला गए, हमने आज अपने परिवार के जो भी दुखद सूचनाएं थी उनमें जाकर उनको सांत्वनाएं दी और बताया कि भाई ये तो नीति का विधान है, इसको कुछ कोई बदल नहीं सकता। उनके सुख दुख में शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ से लेके और जगह जगह खैर टप्पल तक हमारा स्वागत किया। हम सुबह ही, चूंकि आपको जानकारी है अभी कल अलविदा गया है, अब जुमे की नमाज वो ईद की नमाज होनी है, आज ईदगाह गए, वहाँ की व्यवस्थाओं का वो देख रेख किया। काफ़ी लोग परेशान थे कि जो वहाँ गंदगी व्याप्त है उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, तो मैं अपनी सरकार से केवल यही कहना चाहूँगा कि हम सारे त्यौहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं, हमारे किसी भी त्यौहार पर कोई अनहोनी नहीं होती है, तो त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने दी जाए, किसी भी तरीके का दहशत का माहौल ना बनाया जाए, जिससे कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसका प्रवाह ऐसे ही चलता रहे।